सो हे गाइस, तो एल्विश यादव ने मनीषा रानी को ट्रोल कर दिया। आप सभी को मनीषा रानी और एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें मनीषा रानी ने एल्विश यादव को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था, जिसका रीजन बताते हुए मनीषा रानी ने आज अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड करी थी। एंड उसमें मनीषा रानी ने रीजन बताया कि उन्होंने एल्विश यादव को इसलिए अनफॉलो किया था कि कुछ टाइम पहले उन्होंने एल्विश यादव के साथ एक रील बनाई थी जिसकी कवर पिक्चर पर एल्विश ने मनीषा रानी की फोटो नहीं लगाई थी, तो इसी रीजन की वजह से मनीषा रानी ने एल्विश यादव को अनफॉलो कर दिया था। तो मनीषा रानी की इस वीडियो के बाद एल्विश यादव के फैंस मनीषा रानी को ट्रोल करने लगे कि उनका यूट्यूब चैनल डेड हो गया, इसलिए उन्होंने ये कंट्रोवर्सी करी। और मनीषा रानी ने जो आज रिप्लाई वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो की स्टार्टिंग में उन्होंने एक फेस वॉश का प्रमोशन किया था, जिसके ऊपर एल्विश यादव ने भी मनीषा रानी को ट्रोल करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट करी। हाँ भाई, अपनी ना एक वीडियो आने वाली है अभी, उसमें ना फेस वॉश का ब्रांड चाहिए, उस पर क्लिक्स ज्यादा आएंगे, ठीक है, एक स्पॉन्सर का जुगाड़ करना। तो इसके बाद सभी लोगों का कहना है कि मनीषा रानी ने ये इसलिए किया क्योंकि उन्हें एक ब्रांड का प्रमोशन करना था, और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो इतने छोटे से रीजन की वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि एल्विश यादव ने मनीषा रानी के साथ इतनी सारी रील्स बनाई जिसकी कवर फोटो पर मनीषा रानी है। तो क्या मनीषा रानी ने ये सब हाइप के लिए किया? इसमें आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, क्योंकि मैं आप सभी को पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से अपडेटेड रखता हूँ।